नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले सिप्लाक्स डी ड्राफ्ट के बारे में। यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये देखिए सिप्लाक्स डी ड्राफ्ट है, ये आई और ईयर दोनों के लिए फायदा करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें साइड के हैं। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन साल्ट है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% है और डेक्सामेथासोन 0.1% इसमें मिलाया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आप आपको बताते हैं कि यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, ये देखिए आँखों के संक्रमण के लिए फ़ायदा करता है। आँखों का संक्रमण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्त, आँख का संक्रमण एक आम समस्या है। आँख में संक्रमण मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण होता है। संक्रमण आँख के किसी भी विशेष भाग में हो सकता है या किसी अन्य आँख या दोनों आँख को भी प्रभावित कर सकता है, और यह किसी एक आँख या दोनों आँख को प्रभावित कर सकता है। आँख में संक्रमण से कई लक्षण होने लगते हैं, जैसे आँखों में सूजन, खुजली, लालिमा, दर्द और आँख से पानी आना। शारीरिक स्वच्छता अपनाकर आँख में संक्रमण होने से रोकथाम की जा सकती है। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, गंदे हाथों से अपनी आँख को ना छुएं। अपने आँख को नियमित रूप से ठंडे पानी के साथ धोते रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं आँखों का संक्रमण के लक्षण क्या है। जैसे पलकों को छूने पर दर्द महसूस होना, पलकों में सूजन व लालिमा होना और उनका रंग बैंगनी हो जाना, आँखों से पीला या हरे रंग का रंगहीन पदार्थ आना, आँखों की पलकों व पलकों के बालों के पास पपड़ी जमना, एक या दोनों आँखों में कीचड़ आना, धुंधली दिखाई देना, पलकों के पीछे या पलकों के बालों में गांठ बनना, ऐसा महसूस होना जैसे आँखों में कुछ घुस गया है, तेज रोशनी में आँख में दर्द होना, आँख से पानी बंद ना होना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। चलिए दोस्त, ये देखिए अगर आँखों में सूजन है तो उसके लिए भी फायदा करते हैं। आँखों का सूजन क्या है थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। आँखों के आसपास की त्वचा काफी पतली और संवेदनशील होती है, जिसकी वजह से आँखों में सूजन होना बहुत सामान्य बात हो जाती है। वातावरण से संबंधित कारण और स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अन्य कई प्रकार की चीजें के कारण भी आँखों में सूजन हो सकती है, जैसे एलर्जी, तनाव, आँखों की थकान और चेहरे की त्वचा की बनावट आदि कई चीजों से आंखों में सूजन को बढ़ाती है। लेकिन मुख्य रूप से आंखों में द्रव इकट्ठा होना इसकी वजह है। द्रव आपकी आंखों और उसके आसपास की त्वचा के ऊतकों में इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि यह शरीर के सबसे पतले ऊतक होते हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की सूजन आसानी से दिखाई देने लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आंखों के सूजन के लक्षण क्या है। जैसे आंखों में खुजली व जलन, अत्यधिक आंसू आना, देखने में मुश्किल, आंख लाल होना और सूजन आना, आंखों की पलकों में लालिमा, आंखों से कीचड़ आना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। ठीक है दोस्त, और देखिए ये अगर आंखों में जलन हो रहा हो तो उसके लिए भी फायदा करते हैं। आंखों में जलन क्या है थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आंखों में जलन का मतलब है आंखों में कुछ जलने या उत्तेजना जैसा एहसास होना। इस स्थिति में पेशेंट को खुजली, आंसू आना, कीचड़ आना आदि ये सब देखने को मिल सकता है। ज्यादातर यह स्थिति हानिकारक होती है और इसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। ज्यादातर यह स्थिति बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होती है और इसका समाधान किया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जो गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। कुछ लोगों में सिर्फ आंखों में जलन का ही समस्या होता है, जबकि अन्य लोगों में काफी सारे लक्षण महसूस होते हैं, जैसे आंखों की डिस्चार्ज या पानी बहाना, आंखों में दर्द या खुजली आदि होना। चलिए अब बात कर लेते हैं आंखों में जलन के लक्षण क्या है। जैसे जलन के साथ साथ आंख में दर्द होना, आंखों में पीड़ा और तकलीफ होना, लालिमा लिए हुए आंखें, ध्यान लगाने से परेशानी, सूखी या गीली आंखें, धुंधला या दोपहर दिखना, रोशनी की प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, आंखों में खुजली होना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये आंख के साथ साथ कानों के लिए भी फायदा करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको देखिए एडल्ट है, 18 साल के प्लस है, तो दो दो बूंद इसको दो बार डालेंगे, और अगर आप छोटे बच्चे के डाल रहे हैं तो उनको एक एक बूंद दिन में दो बार डालेंगे, लेकिन आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही यह आंख में डाले। चूंकि आंख वाली बात है, आंख बहुत अति संवेदनशील होता है, तो इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस दवा को आंख में न डाले। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट जैसे आंखों में जलन होना, सर भारी होना, सर में दर्द होना, नाक जाम होना आदि इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताए गए किसी भी दवा, किसी भी सलाह या किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी इस चीज का प्रयोग करिए, अदरवाइज चीज का प्रयोग न करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।